आज से दिल्ली के बाजार 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। हम आपको दिल्ली की 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। राजधानी में ट्रेनें खाली हैं, बस स्टैंड में भी भीड़ नहीं है, सिनेमा घर बंद हैं, मॉल्स बंद हैं। दिल्ली में रहने वाले छात्र घरों को जा रहे हैं, सभी छात्र दिल्ली से दूर हो जाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अलग अलग तस्वीरें ये बता रही हैं किस तरीके से लोग अपने घर में ही रहना पसंद कर रहे हैं, इस वायरल से दूर रहना चाहते हैं और कोरोना वायरस फैले ना, इसके लिए भी एहतियातन लोग बाजार, सिनेमा घर या शॉपिंग मॉल्स की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से एहतियातन इन जो खास जगह है जहां पर अक्सर भीड़ रहती है, उन जगहों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ बढ़ चुकी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राहुल डबास। जनता कर्फ्यू में अभी वक्त है, हम इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर रेल लगभग खाली जा रही है। आप देख सकते हैं कि रेल यहाँ से रवाना हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग जो खाली है सिटिंग नज़र आ रही है। अगर आप कहीं से भी देखें तो यहाँ पर रेलवे के कर्मचारी ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन एक बोगी में 4 से 5 लोगों से ज़्यादा नहीं है। और यह हम आपको चलती हुई रेलगाड़ी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अभी एक बोगी में 1, 2, 3, 4 से ज़्यादा व्यक्ति मौजूद नहीं है। यानी जो भारतीय रेल भर के चलती थी, अब लगभग कर्फ्यू की स्थिति में आप देख सकते हैं कि लगभग पूरी की पूरी ट्रेन ही, पूरी की पूरी बोगी ही खाली जा रही है। लोग लेट कर जा रहे हैं, लोग दूरी बना रहे हैं, एक सीट पर एक ही व्यक्ति मिलेगा आपको, दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। और ये स्थिति कमोबेश हर एक ट्रेन की नज़र आती है। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि प्लेटफॉर्म जहाँ पर आमतौर पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, उतरते ही आपको कुली मिल जाते थे। आप देखिए कि यहाँ से लेकर और 100 मीटर की दूरी पर 10 व्यक्ति भी एक साथ आपको नज़र नहीं आएंगे। और ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का हाल है जहाँ पर बाकायदा बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, क्राउड मैनेजमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जिस तरह के मल्टीपर्पज़ स्टॉल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी आज रात यानी 21 तारीख को 12 बजे बंद कर दिए जाएंगे और सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही दी जाएगी, क्योंकि रेलवे विभाग की तरफ से कहा गया है कि 21 तारीख को रात बजे 12 बजे से लेकर 22 तारीख को सुबह 10 बजे तक 3700 रेलगाड़ियां नहीं चलेंगी। जो गाड़ियां जा चुकी हैं उन्हें भी रोक लिया जाएगा और जहां भी वेटिंग रूम है वहां दूर दूर बिठा के रखा जाएगा। ज़रूरी चीज़ों को छोड़ के बाकी कोई चीज़ मुहैया नहीं कराई जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली की स्थिति जनता कर्फ्यू से पहले ही लगभग खाली होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत कम लोग यहां पर, इक्का दुक्का लोग ही मौजूद हैं। यानी कोशिश की गई है जनता कर्फ्यू की सरकार के ज़रिए भी, और जनता भी चीज़ को समझ रही है कि अगर एक बार 24 से 36 घंटे तक ब्रेक लगाई जाए, जो वैज्ञानिक कहते हैं क्वारंटाइन किया जाए, तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की चेन को, संक्रमण की चेन को रोका जा सकता है। और वही तैयारी नई दिल्ली स्टेशन पर भी दिख रही है। ब्यूरो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते खौफ के बीच बड़े शहरों के बस स्टैंड्स पर भारी भीड़ देखी जा रही है। हम आपको दिल्ली, अहमदाबाद और अमृतसर की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। लोग बड़े शहरों से अपने घर की तरफ रवाना होने के लिए बस स्टैंड्स पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली, अहमदाबाद, अमृतसर में देखिए, यहां पर हालांकि लोग जो अपने अलग अलग शहरों से घर की तरफ मूव कर रहे हैं, निकल रहे हैं घर की तरफ जाने के लिए, वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन अमूमन जितनी भीड़ नज़र आती थी उस तरह की भीड़ नहीं नज़र आ रही है। दूसरी तरफ सैनिटाइज करने का काम भी चल रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली के कश्मीरी गेट पर लोग किस तरीके से पहुंचे हैं वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कश्मीरी गेट बस टर्मिनल की तस्वीर देखिए, लोगों की खासी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। दिल्ली से सटे राज्यों के लोग घर जाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, वो ज़्यादा सेफ अपने घर पर महसूस कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता राहुल डबास। जहाँ नई दिल्ली स्टेशन लगभग खाली था, वहाँ आप देख सकते हैं फिलहाल कश्मीरी गेट में हम मौजूद हैं ISBT में, और यहाँ पर लोग, मुसाफिर बहुत ज़्यादा हैं, चाहे बसों की बात करें या बसों के बाहर की बात करें, तो यहाँ पर मुसाफिर और बसें दोनों बहुत बड़ी संख्या में नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। कश्मीरी गेट पे हम मौजूद हैं, जो मुसाफिर यहाँ से रवाना हो रहे हैं, दिल्ली से जा रहे हैं, बहुत से अपने सामान के साथ भी जा रहे हैं। कहाँ जाने वाले हैं आप? दिल्ली से फिलहाल जा रहे हैं क्या? आनंद विहार। दिल्ली से जा रहे हैं या दिल्ली में रहेंगे फिलहाल? दिल्ली से जा रहे हैं परिवार के साथ। हाँ जी। एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल हो गए हैं। लगातार ये सूचनाएं दी जा रही है कि भीड़ एक साथ इकट्ठा मत कीजिए। और यहाँ पर बाकायदा जो अगर नई दिल्ली स्टेशन की तरह में तुलना करें तो बसों में ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बसें चलती रहेंगी
ट्रेन भले ही जनता कर्फ्यू के चलते बंद हो जाए, लिहाजा आप देख सकते हैं कि बसें लगभग भर के चल रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश परिवहन की बस है, लोग अपने अपने घरों में जा रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लगता है कि दिल्ली में जनता कर्फ्यू लंबा चल सकता है, लिहाजा उन्हें रवाना होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बाद आप हरियाणा की बस देख सकते हैं, हरियाणा की बस भी काफ़ी हद तक भरी हुई है और लगातार अलग अलग राज्यों में ISBT से बसें रवाना हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में ग्राहकों की कमी आई है, वहीं सब्जी के दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। न्यूज़ नेशन संवाददाता वाजिद अली की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में, जहां पर कोरोना वायरस का डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये वही गाजीपुर मंडी है जो सुबह अर्ली मॉर्निंग से लगनी शुरू हो जाती है और यहाँ पर जो है जो ग्राहक है उनकी संख्या जो है सैकड़ों में पहुँच जाती है। आज भीड़ तो है लेकिन आम दिनों के मुकाबले काफ़ी कम है। अगर बात करें दुकानदारों की तो उनका कहना है कि कोरोना वायरस जिस तरीके से फैल रहा है उसके चलते जो है लोगों के अंदर डर है और वो मार्केट में भी ख़रीदारी करने के लिए कम आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक दुकानदार हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू। ये बताओ कि पहले के और आपके मुकाबले में अगर बात करें ग्राहकों की काम धंधे में क्या फर्क पड़ा? फर्क बहुत पड़ा, कौन पहले बाहर इंसान नहीं निकल रहा, माल भी नहीं आ रहा मंडी में, कम आ रहा माल। और लोगों से बातचीत करते हैं, ये बताइए कल जो है पूरे देश के अंदर कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, आपकी मर्जी हो तो आप घर से निकल सकते हैं, आपकी मर्जी ना हो तो आप घर में रह सकते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री ने खाली आग्रह किया है, तो आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये ऐलान किया है कि जनता का कर्फ्यू लगना चाहिए, ये हमारी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल सेफ है और एक दिन की बात है, तो हर इंसान को अपने घर में रहना चाहिए और सेफ्टी का पूरा पूरा पालन करना चाहिए। अब ये मार्केट है, अगर ये बिल्कुल ही रुक जाएगा तो लोगों को जो है सब्जी पानी ये कुछ नहीं मिलेगा, तो ये भी तो कैसी ना कैसे चलेगा, या फिर ये गली में जा जाके अगर बेचेंगे तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये बात आप भी जानते हैं बखूबी। कैसे अगर बात करें गाजीपुर मंडी की तो यहाँ पर जिस तरीके से लोगों के अंदर कोरोना वायरस का डर है उसके चलते जो है यहाँ पर सब्जियाँ या फल जो है वो ज़्यादा तादाद में लेकर जा रहे हैं ताकि जो है कुछ दिन तक सर्वाइव कर सकें। और मंडी वालों को भी कहना है जिस तरीके से कल का जनता कर्फ्यू का ऐलान PM मोदी की तरफ से किया गया है, ऐलान नहीं आग्रह किया गया है, उसका सबको पालन करना चाहिए और साथ साथ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। हालांकि इनके काम धंधों में भी गिरावट आई है कोरोना वायरस के चलते, लेकिन इनका साफ तौर पर यही कहना है कि सावधानियाँ बरतनी चाहिए और अगर ये वायरस बढ़ता है तो उसके लिए भी कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ वाजिद अली, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कोरोना वायरस की खबर के चलते पूरे देश में बड़े मंदिर बंद कर दिए गए हैं, अक्षरधाम हो या फिर रामेश्वरम का मंदिर हो या फिर तिरुमला, सभी मंदिर बंद हैं। इसके अलावा उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भी बंद कर दिया गया है। तमाम देश भर के बड़े मंदिरों को बंद किया गया है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन मंदिरों में पहुंचते हैं हर रोज, और ऐसे में यहां पर श्रद्धालु ना पहुंचे ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके, लोग भीड़ में इकट्ठा ना हो एक जगह, इसलिए इन मंदिरों को फिलहाल बंद किया गया है। इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। देहरादून के एक होटल में कोरोना संदिग्ध पाए जाने के बाद होटल को सील कर दिया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता सुरेंद्र सिंह दसीला। कोरोना वायरस यानी COVID-19 में ज्यादा खतरा उन लोगों से है जो पढ़े लिखे हैं लेकिन बार बार समझाने के बाद भी वो नहीं समझ रहे हैं और उनकी गलतियां देश के लाखों लोगों पर भारी पड़ सकती हैं। इस वक्त हम राजधानी के एक नामी होटल के बाहर हैं, ये बड़े होटल समूहों का एक होटल है और यहाँ एक महिला अपने पति के साथ पहुंची थी, वो स्पेन से लौटी थी और यहाँ स्टे करने के बाद जब वो यहाँ से फरीदाबाद पहुंची तो वहाँ उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया और जब ये सूचना राजधानी के प्रशासन को लगी तो उसके बाद प्रशासन ने इस होटल को लॉकडाउन कर दिया है। होटल के दोनों जो गेट हैं ये देखिए, दोनों गेट बंद किए गए हैं। प्रशासन के अगले आदेश तक पुलिस की टीम यहाँ पर लगाई गई है, जो होटल का तमाम स्टाफ है वो होटल के अंदर ही है और क्वारंटाइन जोन में ये लोग रहेंगे, यानी अगले 14 दिन ये भीतर ही रहेंगे, कोई प्रवेश अंदर से बाहर नहीं होगा,
बाहर से अंदर की ओर कोई नहीं जा सकता। प्रशासन की टीमें यहां पर मौजूद हैं, बकायदा डीएम इसको बार बार मॉनिटर कर रहे हैं। बार बार लोगों से ये कहा जा रहा है कि अगर उनमें किसी तरीके के लक्षण हैं तो वो अस्पताल जाएं, वो डॉक्टर को दिखाएं। वो अगर सामाजिक रूप में इस तरीके से निकलेंगे, अगर वो लोगों के बीच पहुंचेंगे तो बीमारी बहुत सारे लोगों को मिलेगी, बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होंगी और बीमारी को फिर रोका नहीं जा सकेगा। ये होटल फिलहाल लॉकडाउन किया गया है, प्रशासन की टीमें ही यहाँ पर जरूरी सामान उपलब्ध कराएंगी। यहाँ सैनिटाइज किया जाएगा लगातार, डॉक्टर्स की टीमें भी आएंगी क्योंकि खतरा बरकरार है। यहाँ पर जो स्टे हुआ था वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं, इसलिए उठते हैं क्योंकि बार बार गाइडलाइन जारी की गई कि होटल्स को ये बताना होगा कि उनके वहाँ फॉरन से कौन कौन गेस्ट आए हुए हैं, कौन कौन स्टे कर रहे हैं, और ये जानकारी अगर होटल प्रशासन को नहीं दे रहे हैं तो ऐसे में होटल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि उत्तराखंड में प्रशासन के अगले आदेश तक पर्यटकों का आना वर्जित है, कोई भी होटल या रेस्टोरेंट पर्यटकों की बुकिंग नहीं ले सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज नेशन, देहरादून।